नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है और मेरा नाम है संजय राणा। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन फिश, जिसमें हम देखेंगे कि फिशेज में किस टाइप से एक्सक्रीशन होता है, कितनी टाइप की किडनी पाई जाती हैं और हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी के बारे में हम बात करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपके पास टाइम से वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन इन फिशेज। एक्सक्रीशन को आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं जैसे बॉडी से हार्मफुल नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट को आउटसाइड रिलीज करने की प्रोसेस को ही एक्सक्रीशन कहते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। इंट्रोडक्शन। फिशेज में ऑस्मोटिक आयनिक रेगुलेशन तथा नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए रेस्पेक्टिवली क्लोजली एसोसिएटेड गिल्स तथा किडनी पाई जाती हैं, जो बेस्ट प्रोडक्ट जैसे अमोनिया NH3, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिक एसिड, यूरिया ETC को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ वाटर सॉल्ट बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं। जैसे गिल्स के द्वारा CO2 और NaCl का क्या किया जाता है, रेगुलेशन किया जाता है, वो भी ऑस्मोसिस की प्रोसेस के द्वारा। नाइट्रोजिनस बेस्ड किडनी के द्वारा जैसे अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया को आउटसाइड रिलीज कर दिया जाता है। एक बात पॉइंट करने वाली है कि नाइट्रोजिनस बेस्ड के बेस पर एनिमल 3 टाइप के होते हैं। ऐसे एनिमल जो अमोनिया का सिक्रेशन करते हैं उन्हें अमीनोटेलिक कहते हैं, जैसे टीलोस्ट और एक्वाटिक इंसेक्ट। टीलोस्ट किसमें क्या करती है, रिलीज अमोनिया को। यूरिक एसिड को आउटसाइड रिलीज करने वाले एनिमल्स को यूरियोटेलिक एनिमल कहते हैं, जिसमें वाटर की नीड बहुत कम होती है, जैसे वर्ल्ड और रेप्टाइल। यूरिया। ऐसे एनिमल जो यूरिया को यूरिन की फॉर्म में आउटसाइड रिलीज करते हैं उन्हें यूरियोटेलिक एनिमल कहते हैं, जैसे मैमल्स। अब आगे देखते हैं। फिशेज में मेनली मेजोनेफ्रिक किडनी पाई जाती हैं, लेकिन कुछ फिशेज में ऑक्टिनोनेफ्रिक किडनी भी प्रेजेंट होती हैं। कुछ फिश ऐसी होती हैं जिनमें मेजोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है, जबकि कुछ फिश ऐसी होती हैं जिनमें मेजोनेफ्रिक किडनी और ऑक्टिनोनेफ्रिक किडनी दोनों टाइप की किडनी पाई जाती हैं। आगे देखते हैं। इनकी बोथ किडनी, मेजोनेफ्रिक किडनी और ऑक्टिनोनेफ्रिक किडनी, दोनों किडनी आपस में फ्यूज होती हैं, लेकिन फ्यू फॉर्म में कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिनमें एंटीर पार्ट फ्री होता है। एक किडनी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, एंटीर पार्ट और पोस्टीर पार्ट। इनके कुछ फॉर्म में क्या होता है, एंटीर पार्ट फ्री होता है, अतः एंटीरियर किडनी है उसे क्या कहते हैं, हेड किडनी, तथा पोस्टीरियर किडनी ट्रंक किडनी कहलाती है। जैसे आप देख सकते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट है एंटीरियर पार्ट है उसे हम हेड किडनी कहते हैं, और जो पोस्टीरियर पार्ट है उसे ट्रंक किडनी कहते हैं। यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, टाइप ऑफ फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर किडनी कितने टाइप की होती है। फिशेज में 5 टाइप की किडनी को डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 और टाइप 5 से हम पढ़ेंगे। देखते हैं टाइप 1। इस टाइप की किडनी मैराइन फिशेज में पाई जाती हैं। इनमें राइट एंड लेफ्ट किडनी परमानेंटली फ्यूज होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक हेड किडनी और ट्रंक किडनी दोनों आपस में क्या है, पूरी तरह से अटैच हैं, फ्यूज्ड हैं और परमानेंटली जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल सेलमोनडे और क्लूपिडे किसी फैमिली में ये पाई जाती हैं। सेलमोन आपने फिश देखी है। अब देखते हैं टाइप 2 किस टाइप की किडनी होती है। अब हमारा हेडिंग है टाइप 2। हमने टाइप 1 पढ़ लिया, जिसमें हमने देखा कि हेड किडनी और ट्रंक किडनी आपस में क्या थी, परमानेंटली फ्यूज थी। अब देखेंगे हम कि टाइप 2 में किस टाइप की किडनी होती है। इस टाइप की किडनी फ्रेश वाटर फिशेज में पाई जाती हैं। जो टाइप 2 है वही फ्रेश वाटर फिशेज में किडनी पाई जाती हैं, बाकी जो टाइप हैं वो मैराइन वाटर फिशेज में पाई जाती हैं। देखते हैं आगे। इसमें हेड किडनी सेपरेट होती हैं तथा ट्रंक किडनी आपस में फ्यूज होती हैं। हमने फर्स्ट में देखा कि
जो हेड था वो भी क्या था, फ्यूज था, और ट्रंक किडनी भी क्या थी, फ्यूज थी। जबकि टाइप सेकेंड में हेड किडनी क्या होती है, एक दूसरे से अलग होती हैं, सेपरेट होती हैं, और ट्रंक किडनी फ्यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल में है एंजुली डई और सिप्रिनी डई, ये क्या है, फैमिली है जिसमें जो फिशेज रखी जाती हैं उनमें इस टाइप की किडनी पाई जाती हैं। अब देखते हैं टाइप थर्ड, इसमें हेड तथा ट्रंक किडनी एक दूसरे से वाइडली सेपरेट होती हैं, केवल ट्रंक किडनी का पोस्टीरियर पार्ट फ्यूज होता है। एग्जाम्पल में है बेलेनोडाई और कॉटेडाई, ये क्या है, फैमिली है। अब देखिए टाइप थर्ड, तो टाइप थर्ड है उसका हेड है वो कम्प्लीटली क्या होता है, सेपरेट होता है, और जो ट्रंक होता है, ट्रंक का बस एंटीरियर पार्ट क्या होता है, सेपरेट होता है, जबकि पोस्टीरियर पार्ट क्या होता है, फ्यूज होता है। अब हम देखेंगे टाइप फोर्थ किस टाइप की किडनी होती है। इस टाइप की किडनी में हेड तथा ट्रंक किडनी कम्प्लीटली एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, जो हेड है और ट्रंक है वो पूरी तरह से अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, लेकिन इनकी हेड तथा ट्रंक किडनी एक्सटर्नली डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती, यानी कि दोनों ऊपर से देखने पर, आउटर साइड या एक्सटर्नल साइड से देखने पर सेम दिखाई देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हेड किडनी और ट्रंक किडनी टाइप फोर्थ क्या है, डिफरेंट नहीं होती हैं। अब है हमारी टाइप फोर्थ, इसमें हेड किडनी तथा ट्रंक किडनी वाइडली सेपरेट होती है, लेकिन एक्सटर्नली ब्रूडनेस के कारण ग्रेटली डिफरेंटिएटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल में है लॉफिडाई ईटीसी, ये क्या है, फैमिली है। जैसे आप डायग्राम में देखेंगे टाइप फिफ्थ में जो हेड किडनी है और ट्रंक किडनी है एक दूसरे से कम्प्लीटली सेपरेट हैं, बट ब्रूडनेस या थिकनेस के कारण डिफरेंटिएट क्या दिखाई देती हैं, अलग अलग दिखाई देती हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, अब हमारा हेडिंग है हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी ऑफ टीरोस, जिसमें हम देखेंगे किडनी की हिस्टोलॉजी, उसके टीएस के बारे में देखेंगे, हेड किडनी और ट्रंक किडनी किस टाइप से एक दूसरे से डिफरेंशिएट होती हैं। तो देखते हैं हिस्टोलॉजी, ट्रंक किडनी लार्ज नंबर ऑफ यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बनी होती है। जब हम टीएस ऑफ ट्रंक किडनी देखते हैं तो उसमें यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स और ग्लोमेरुलाए क्या होते हैं, मोर नंबर में होते हैं, जो रीनल टिश्यू में एम्बेडेड होती है ट्रंक किडनी। आगे देखते हैं हेड किडनी इंटर रीनल क्रोमोफिन टिश्यू के बने होते हैं, इनमें रीनल कार्पल्स तथा ट्यूब्यूल्स एब्सेंट होते हैं। जब हम टीएस ऑफ हेड किडनी देखते हैं तो ये किसकी बनी होती हैं, क्रोमोफिन टिश्यू की बनी होती हैं, और इनमें जो यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स और रीनल कार्पल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और कभी कभी ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट भी होते हैं, लेकिन फ्यू कंडीशन में ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इनमें रीनल टिश्यू के बीच आरबीसी एम्बेडेड होती हैं। जब हम टीएस ऑफ हेड किडनी देखते हैं तो उसमें जो आरबीसी होती है वो रीनल टिश्यू में क्या होती है, एम्बेडेड होती हैं, जबकि ट्रंक किडनी में लार्ज नंबर ऑफ ग्लोमेरुलाए यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जब हम ट्रंक किडनी देखते हैं तो उसमें यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स और ग्लोमेरुलाए होते हैं मोर नंबर में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए जो ट्रंक किडनी है वो एक्सक्रीटरी फंक्शन करती है। आगे देखते हैं इनमें ब्लड सेल्स कैपिलरीज में इंक्लोज्ड होती हैं। हमने देखा कि हेड किडनी में जो आरबीसी थी वो रीनल टिश्यू में एम्बेडेड थी, जबकि ट्रंक किडनी में वो कैपिलरीज में क्या होती हैं, इंक्लोज्ड होती हैं। ट्रंक किडनी एक्सक्रीटरी फंक्शन को परफॉर्म करती है, ट्रंक किडनी होती है उसमें मोर नंबर में यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स ग्लोमेरुलाए होते हैं, इसीलिए क्या करती है ये एक्सक्रीटरी फंक्शन करती है, लेकिन हेड किडनी ग्लोमेरुलाए की रिडक्शन के कारण एक्सक्रीटरी फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है, हेड किडनी एक्सक्रीटरी फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर देखेंगे कि रेड वाला पार्ट है वो है ग्लोमेरुलाए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, अब हमारा हेडिंग है एटिपिकल नेफ्रॉन ऑफ टीरोस, जिसमें हम देखेंगे कि फिशेज में किस टाइप की नेफ्रॉन होती है और कितने पार्ट में डिवाइड होती है। नेफ्रॉन किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। तो देखते हैं एटिपिकल नेफ्रॉन में फॉलोइंग पार्ट इंक्लूडेड होते हैं, नंबर वन है रीनल कार्पल्स, नंबर टू प्रॉक्सिमल सेगमेंट, नंबर थ्री सेकेंड प्रॉक्सिमल सेगमेंट, और फोर्थ डिस्टल सेगमेंट, और फाइव
कलेक्टिंग डक्ट। तो देखते हैं सबसे पहले रीनल कार्पल्स, ये पार्ट मोर मस्कुलर होता है क्योंकि यहाँ पर आर्टरी कैपिलरी डेंस होकर क्या बनाते हैं, ग्लोमेरुलाई बनाते हैं और यहीं पर क्या होता है ब्लड फिल्टर होता है तथा यहाँ पर लार्ज नंबर में ग्लोमेरुलाई होती हैं। जैसे आप इस पार्ट को देखेंगे ये क्या है, यहाँ पर रीनल कार्पल्स और यहाँ पर जो आर्टरी आती हैं और यहाँ पर क्या बना लेती हैं ग्लोमेरुलाई और यहीं पर क्या होता है ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। अब है हमारा सेकेंड पार्ट प्रॉक्सिमल सेगमेंट, ये ब्यूमेन्स कैप्सूल के जस्ट पीछे प्रेजेंट इलांगेटेड एरिया होता है जिसमें नंबरस लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम को कॉमनली सुसाइड बैग कहते हैं। इसकी इपिथीलियम सीलेटेड हो जाती है, इसकी इपिथीलियम में क्या है सीलिया लगे हुए हैं हो जाती है जिससे एक्सक्रेटा जो फ्लूड क्या हुआ है फिल्टर हुआ है एक्सक्रेटा को पोस्टीरियरली पुश किया जा सके, नीचे के लिए कैसे किया जा सके पुश किया जा सके। ऐसे आप देखेंगे वुमेन कैप्सूल और रीनल कार्पल्स क्या होते हैं, जो रीनल कार्पल्स है वो वुमेन कैप्सूल में एम्बेडेड होता है। ये पूरा पार्ट जो सेक लाइक आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है वुमेन कैप्सूल, उसके नीचे एक इलांगेटेड एरिया है जिसे हम कहेंगे फर्स्ट प्रॉक्सिमल सेगमेंट कहते हैं, जिसमें जिसकी इपिथीलियम में इलांगेटेड सीलिया होते हैं जो यहाँ से क्या जो फिल्टर हुआ एक्सक्रेटा या एक्सक्रेटरी फ्लूड वो नीचे के लिए क्या हो सके पुश हो सके यहाँ से आगे बढ़ सके। अब देखेंगे हम थर्ड सेकंड प्रॉक्सिमल सेगमेंट, तो देखते हैं इसमें न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती हैं, इसमें अनगिनत क्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं। इसकी इपिथीलियम में शॉर्ट सीलिया प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर जो सीलिया पाए जाएंगे होंगे शॉर्ट होंगे छोटे छोटे होते हैं स्मॉल होते हैं। अब देखते हैं फोर डिस्टल सेगमेंट, ये नैरोअर इलांगेटेड पार्ट है। प्रॉक्सिमल सेगमेंट के बाद डिस्टल सेगमेंट आता है, ये क्या होता है नैरो होता है एंड इलांगेटेड होता है, इसके अंदर इलांगेटेड माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया वो थोड़े क्या होते हैं इनलार्ज होते हैं इलांगेटेड होते हैं। अब इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट आते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में ही क्या होता है यूरिन का स्टोर होता है। कलेक्टिंग डक्ट ये क्यूबॉइडल सेल्स तथा गॉबलेट सेल्स से कवर्ड होती है, जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वो किससे कवर्ड होती है क्यूबलेट क्यूब टाइप की क्या होती हैं सेल्स होती हैं और गॉबलेट या प्याले के आकार की क्या होती हैं सेल्स होती हैं उनसे क्या होता है कवर होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, अब हमारा हेडिंग है फिजियोलॉजी ऑफ एक्सप्रेशन इन फिशेज। तो देखते हैं फिश की ट्रंक किडनी मोर फंक्शनल होती है जो लार्ज नंबर ऑफ ग्लोमेरुलाई तथा वुमेन्स कैप्सूल को क्लियर करती है, ये दोनों मिलकर एज ए अल्ट्रा फिल्टर फंक्शन करते हैं। जब हमने टीएस ऑफ ट्रंक किडनी देखा था उसमें देखा हमने कि यूरिनरी ट्यूब्यूल्स और ग्लोमेरुलाई क्या थे मोर नंबर में थे और यहाँ पर ग्लोमेरुलाई और वुमेन्स कैप्सूल दोनों मिलकर क्या करते हैं अल्ट्रा फिल्टर करते हैं ब्लड को। तो देखते हैं आगे, यहाँ पर ब्लड हाई प्रेशर में फिल्टर होता है, अब फिल्ट्रेट वुमेन्स कैप्सूल के ल्यूमन में आ जाता है। जब आर्टरी से ब्लड ग्लोमेरुलाई में आता है और यहाँ से फिल्टर होने के बाद वुमेन्स कैप्सूल के कहाँ पर आ जाता है ल्यूमन में आ जाता है। अब देखते हैं आगे, जिसे एक्सक्रेटरी फ्लूड भी कहते हैं, जिसे अब टिप्यूल में पोस्टीरियरली पास किया जाता है, अब यहाँ से नीचे के लिए क्या कर दिया जाएगा पास कर दिया जाता है। अब देखते हैं जिसमें एपिथीलियम की लॉन्ग सीलिया तथा सेल्स हेल्प करती हैं, सोडियम तथा क्लोराइड आयन यहाँ से एपिथीलियम द्वारा रीऑब्जर्व हो जाते हैं। जब फिल्ट्रेट के बाद जो एक्सक्रीटरी फ्लूइड है वो ल्यूमन में आता है वुमेन्स कैप्सूल के और यहाँ से नीचे के लिए कर दिया जाता पुश कर दिया जाता है और प्रॉक्सिमल सेगमेंट के इपिथीलियम की जो सीलिया है उनकी हेल्प से जो एक्सट्रेटरी फ्लूड है वो नीचे की तरफ क्या कर दिया जाता है पुश कर दिया जाता है और यहाँ से सोडियम आयन और क्लोराइड आयन को क्या कर लिया जाता है रीऑब्जर्व कर लिया जाता है। अब देखते हैं आगे, इसमें ग्लूकोज भी फिल्ट्रेट से रिमूव होता है और जो ग्लूकोज होता है फिल्ट्रेट में उसे भी क्या कर लिया जाता है रीऑब्जर्व कर लिया जाता है। फ्रेश वाटर टीलोस्ट की किडनी एक इम्पोर्टेंट एक्सक्रेटरी ऑर्गन की तरह काम करती हैं तथा माइनर नाइट्रोजीनस कंपोनेंट को भी पास आउट करती हैं। इनके गिल्स
इनके गिल्स भी क्या होते हैं, एक्सक्रेशन के चीफ ऑर्गन होते हैं, क्योंकि यहाँ से मेजर नाइट्रोजिनस बेस्ड प्रोडक्ट जैसे यूरिया और अमोनिया बॉडी से रिमूव होते हैं। लेकिन मैराइन वाटर फिशिंग में किडनी मैग्नीशियम तथा सल्फर को रिमूव करने में एक चीफ रोल प्ले करती हैं, जिसे से वाटर के थ्रू एलिमिनेटरी कैनाल में इंटेक किया जाता है। जब मैराइन फिशिंग से वाटर को क्या करती है, ड्रंक करती है, तो उसी के साथ उसकी एलिमिनेटरी कैनाल में मैग्नीशियम और सल्फर भी आ जाते हैं, उसे उसकी किडनी द्वारा क्या कर दिया जाता है, आउटसाइड रिलीज कर दिया जाता है। इनके फिल्ट्रेशन तथा रीऑब्जर्वेशन की प्रोसेस हार्मोनल तथा न्यूरल कंट्रोल में कंप्लीट होती है। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपके पास वीडियो और नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। और हम मिलेंगे बहुत जल्द।